मंदसौर में तिरंगा यात्रा को लेकर अखंड भारत तिरंगा यात्रा समिति द्वारा बैठक संपन्न हुई, जिसमें युवा वर्ग, मातृशक्ति, बुजुर्ग, सभी वर्ग के लोग इस बैठक में शामिल हुए। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी 14 अगस्त शाम को मंदसौर शहर में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। पूरे शहर को चौराहे चौराहे पर तिरंगा झंडा लगाकर सजाया जाएगा और ये यात्रा शहर के हर गली मोहल्ले से होकर निकाली जाएगी। तरह तरह की वेशभूषा पहनकर तिरंगा यात्रा को भव्य रूप दिया जाएगा। उसी संदर्भ में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मंदसौर शहर में देशभक्ति का माहौल, इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से लोगों को ज्यादा से ज्यादा शामिल होने और इस यात्रा को ऐतिहासिक बनाने के लिए बैठक संपन्न हुई। आज अखंड भारत तिरंगा यात्रा समिति द्वारा एक बृहद बैठक तिरंगा यात्रा को लेकर आयोजित की गई है, जिसमें की प्रतिवर्ष 14 अगस्त के दिन स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर जो तिरंगा यात्रा मंदसौर शहर में निकाली जाती है, उसको कैसे भव्य और ऐतिहासिक बनाया जाए, इसको लेकर के आज मंदसौर शहर के सभी समाज प्रमुखों की, युवा साथियों की, मातृशक्ति की एक बड़ी बैठक का आयोजन तिरंगा यात्रा समिति द्वारा किया गया है। उसी के निमित्त आज ये बैठक चल रही है। मंदसौर शहर में हर साल एक बहुत भव्य और ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा निकलती है। मेरा आप सभी चैनल, आपकी चैनल के माध्यम से सभी मंदसौर शहर की देश प्रेमी जनता से, माताओं बहनों से, युवा साथियों से आग्रह है कि अधिक से अधिक संख्या में इस तिरंगा यात्रा में सम्मिलित होकर इस तिरंगा यात्रा को भव्य ऐतिहासिक बनाएं। ये तिरंगा, ये देश हम सबके मान सम्मान का प्रतीक है। इस तिरंगे के मान सम्मान को बनाए रखें, इस तिरंगे के मान सम्मान को जितना हम बढ़ा सकें उतना बढ़ाने का काम करें। तिरंगा यात्रा का आयोजन प्रतिवर्ष होता है, इस वर्ष भी तिरंगा यात्रा वही चौराहे सजाए जाएंगे, प्रमुख चौराहों को सजाया जाएगा, अलग अलग वेशभूषाओं में माताएं बहनें हमारे युवा साथी बनकर के आएंगे, प्रेरणा देंगे, तो मंदसौर शहर में एक देशभक्ति का वातावरण बनाने का काम इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से किया जाएगा। मंदसौर से पीडी बरागी की रिपोर्ट।